हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट तो हमने पढ़ लिया, बट वेरियस टाइप्स ऑफ शाफ्ट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग। अगर हम पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करें तो ये दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है आपका वर्टिकल, है ना, और एक होता है आपका इंक्लाइन। ठीक है, तो वर्टिकल शाफ्ट की बात करें तो वर्टिकल शाफ्ट क्या होते हैं? अगर आपको कोई शाफ्ट बनाना है जिसकी कॉस्ट काफी ज्यादा कम आनी चाहिए, तो कम कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वर्टिकल शाफ्ट बना देते हैं। इट वुड बी योर सर्कुलर, इट वुड बी योर रेक्टेंगुलर शाफ्ट। तो ये जो हम वर्टिकल डायरेक्शन में जो हम शाफ्ट बना रहे हैं कटिंग करके, इन शाफ्ट को हम कहते हैं आपके वर्टिकल शाफ्ट। जनरली ऐसे शाफ्ट की कॉस्टिंग काफी ज्यादा कम आती है और ये काफी ज्यादा चीप रहते हैं, है ना। और सबसे अच्छी बात, इसका यूज हम वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छे से कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें फर्दर दूसरे शाफ्ट की, अगर हमें कोई ऐसा टनल बन रहा है जहां पर पूरा आपका जो ज्योमेट्री है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, अगर हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री नहीं है तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको जो ज्योमेट्री है वो कैसे देना है, इंक्लाइन देना है। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका सॉइल का सरचार्ज काफी ज्यादा आ रहा है, और ये सॉइल का सरचार्ज या प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेदर गिविंग द शाफ्ट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, हम इसको 45 डिग्री से टिल्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जितनी भी ऊपर की सॉइल है या सॉइल का वर्ज है, मतलब की लोडिंग, वर्ज मतलब लोडिंग, तो जितना भी लोडिंग आ रहा है आपका सॉइल का ऊपर से, वो उसको बेयर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। या कई बार ऐसा होता है कि हमारा ज्योमेट्रिकल सेक्शन ही कुछ ऐसा है, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ नीड है यहाँ पे एक्स्ट्रा आपकी इनटेक की पाइप्स वगैरह के लिए, या कोई अदर नीड है, तो इस तरीके के इंक्लाइन शाफ्ट भी बनाए जाते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, इसमें कॉस्टिंग काफी ज्यादा आएगी, है ना, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। कॉस्ट हाई तो हो जाएगी, बट इसके साथ साथ कुछ और डीमेरिट्स भी हैं। आपका जब आप यहाँ पे इंक्लिनेशन देते हैं, तो इंक्लिनेशन देते टाइम हम लोगों को काफी ज्यादा प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं कि इसका प्रॉपर इंक्लिनेशन बने, और इसके साथ साथ कई बार ये एनहेंस कर देता है हमारा एक्स्ट्रा मूवमेंट जनरेशन को भी। तो इस तरीके की शाफ्ट के एनालिसिस भी काफी ज्यादा अलग होते हैं, तो ये स्पेशल केस में दिए जाने वाले शाफ्ट हैं। जनरली फॉर अ वे, अगर एक नॉर्मल शाफ्ट या फिर आपका एक परमानेंट शाफ्ट आपको बनाना है, हैविंग द लेस कॉस्टिंग और फॉर द वेंटिलेशन, फॉर रिमूवल ऑफ फॉल गैसेस, यू आर गोइंग विथ योर वर्टिकल शाफ्ट्स ओनली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका दो तरीके से शाफ्ट बनाए जाते हैं। या तो आप कहोगे कि हम इस शाफ्ट को अभी के लिए बना रहे हैं और इस शाफ्ट को हम रिमूव कर देंगे, या फिर इसको हम भर देंगे। अभी हमें अलाइनमेंट अकेला करना है, फर्दर हमें कोई भी वेंटिलेशन की जरूरत नहीं, या ऊपर से हम लोग शाफ्ट नहीं देना चाहते। तो आपका शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट जनरली आपके टर्नल्स के ऊपर दिए जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी ये शाफ्ट खाली एक अलाइनमेंट दे दें, क्योंकि क्या होता है जब हमें अलाइनमेंट बनाना रहता है तो शाफ्ट काफी ज्यादा हेल्प करते हैं एक बेस को चूज करने के लिए। आप बिना शाफ्ट के कंस्ट्रक्शन को तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो। तो हमने कहा कि ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा टनल नहीं है, इसका लेंथ काफी ज्यादा कम है, इट्स ऑल अबाउट योर 2 to 3 meters ओनली, सो वी डोंट नीडेड एनी टाइप ऑफ शाफ्ट, और फॉर द ड्रेनेज और फॉर एनी अदर इशू फॉर द फुल यूजमेंट ऑफ योर हाइट, उस टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट नहीं देते। तो हमने कहा ठीक है, हम शाफ्ट बस तभी तक के लिए देंगे जब तक हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन होने के बाद जब वो वर्किंग में आ जाएगा हम उस शाफ्ट को हटा दें, या उसका हम किसी और तरीके से यूटिलाइज कर दें, या उसको भर देंगे, टनल हमारा हम यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ऊपर का शाफ्ट हम फिल कर देंगे। परमानेंट शाफ्ट क्या होते हैं, परमानेंट शाफ्ट दैट आर सर्विंग विथ योर टनल्स। देखो टेम्पररी शाफ्ट में कोई भी जब हम डिजाइनिंग के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लोडिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि इट्स अ टेम्पररी डमी स्ट्रक्चर। बट जब हम परमानेंट शाफ्ट की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें शाफ्ट की हाइट
और उसका साइज शेप जनरली इस तरीके का आप सर्कुलर या फिर आर्च वाला आप शाफ्ट को यूज करोगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कंप्रेसिव लोडिंग को वो क्या कर सके, सर्व कर सके। जनरली क्या होता है, जब हम किसी भी रेक्टेंगुलर चीज की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर पोजीशन में जब हम लोडिंग की बात करते हैं तो लोड एकदम से इम्पेक्ट करता है। बट सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर में आपका जो लोड का सर्विंग रहता है इट वॉज समवॉट इन सम एंगल्स एंड ड्यू टू विच द इफेक्ट ऑफ लोड इज ऑलवेज बी रिड्यूस। इसलिए हम लोग यहाँ पे सर्कुलर शाफ्ट यूज करेंगे अगर हम परमानेंट स्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं। बेसिकली इतने ही टाइप के होते हैं, शेप के हिसाब से अलग हमने इसके बारे में एक डिटेल स्टडी करी है कि शेप का कैसा है, तो आप अगर उसको देखना चाहें तो आप वहां पे भी जा करके वीडियो में समझ सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा शाफ्ट कहाँ पे हमें यूज करना है। आई होप कि आपको ये सारे वीडियोस काफी अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।